हम सभी लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं जिसमें से काफ़ी लोग हमें पसंद नहीं करते, ना ही एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट देयर विल बी मैनी जो आपको डिसलाइक करेंगे, जज करेंगे एंड क्रिटिसाइज करेंगे। दैट्स जस्ट द वे इट इज़। आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। नाउ सर्टेनली हमें दूसरों के लिए कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एट द सेम टाइम अपने बिहेवियर पर भी नज़र रखनी चाहिए कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद हमें खुद को एग्जामिन करने की ज़रूरत हो सकती है। बट इवन इफ आप प्लैनेट के काइंडेस्ट, स्वीटेस्ट एंड सबसे रिस्पेक्टफुल इंसान भी क्यों ना हो, फिर भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपको डिसलाइक करने के रीजंस ढूंढ ही लेंगे, एंड इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आज हर इंसान दूसरे को नीचे गिराना चाहता है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ हेट। इस डिसलाइक के ट्रैप से निकलने का एक तरीका है सिंपली लोगों को आपको लाइक ना करने, डिसअग्री एंड जज करने का पूरा फ्रीडम दे देना। आफ्टर ऑल एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन। फिर वो ओपिनियंस बेसलेस ही क्यों ना हो। अलाउइंग देम टू डिसलाइक यू, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज रिकग्नाइजिंग दैट दे डोंट नीड योर परमिशन। दे आर गोइंग टू डू इट वेदर यू परमिट देम और नॉट। बट वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज लेटिंग गो द नीड टू कंट्रोल वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू, बिकॉज यू कांट कंट्रोल दैट। अगर आप जैसे हैं वैसे ही कोई अप्रूव नहीं करता तो शायद उनका अप्रूवल पाने के लिए आप खुद को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, बट चांसेस आर वो कुछ और क्रिटिसाइज करने के लिए ढूंढ लेंगे। बिकॉज दैट्स वॉट दे डू, दे जस्ट लाइक टू क्रिटिसाइज। कुछ लोगों का काम ही होता है दूसरों को क्रिटिसाइज करना। सो जस्ट लेट इट गो। सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, आपको उनसे अग्री करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो जो कह रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने की। इट्स जस्ट यू नो वो जो चाहें उसे सोचने का उन्हें पूरा राइट है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट फ्रीडम। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप दूसरों के अप्रूवल की नीड जाने देते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। यू फाइंड योर ओन फ्रीडम इन दैट। ऐसे ही पता चलता है जो लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअल में दे आर स्ट्रगलिंग टू लाइक देमसेल्व्स। वो लोग खुद से ही खुश नहीं हैं, उनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं जिसे वो अपने बिहेवियर के थ्रू, लोगों को क्रिटिसाइज करके या अदर एक्शंस के थ्रू दिखा देते हैं और मिजरेबल या बिटर साउंड करते हैं। बट अगैन जैसे ही आप उनके अप्रूवल की नीड छोड़ देते हैं तब आप एक डिफरेंट लेवल का पीस फील करते हैं, एंड देन वो जो चाहे बोल सकते हैं या सोच सकते हैं। इट नो लॉन्गर डिस्टर्ब्स यू, बल्कि उन्हें ही अफेक्ट करता है। जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये कि आप खुद को जैसे भी हैं वैसे ही लाइक और एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खुद को अप्रिशिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये दूसरे क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक इंसान के लिए दूसरों के ओपिनियंस तब मैटर करते हैं जब वो बाहर अप्रूवल ढूंढता है। बट यू नीड टू रिमेम्बर, आप एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए डोंट ट्राई टू प्लीज देम। जस्ट डू वट एवर यू लाइक। यू हैव टू सी दैट फॉर योर सेल्फ। लाइफ इज मच प्लेजेंट दैट वे। आप फ्री हो जाते हैं टू डू सो मच मोर वट यू फील पैशनेट अबाउट, टू शेयर योर गिफ्ट्स, योर क्रिएटिविटी, योर कंपैशन, एंड एनीवन हु डजंट अप्रिशिएट दैट, इट्स देयर लॉस। यू जस्ट गो ऑन विद योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।